दोस्तों, जो मैं मूवी आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बैन 10,010। मूवी की शुरुआत में हमें एक्स जैसे एलियन दिखाए जाते हैं जो मिलकर पूरी दुनिया पर हमला कर रहे होते हैं और एक ही करके सबको हरा भी रहे होते हैं। न्यूज से हमें पता चलता है कि अब सब कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है और अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने जनरल को बुलाते हैं जो कोई और नहीं हैक्स होता है। हैक्स बोलता है, मैडम प्रेसिडेंट, अब कभी भी हम पर हमला हो सकता है, इसलिए हमें भाग जाना चाहिए। तब हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन अब अमेरिका की प्रेसिडेंट बन चुकी है और वो भागने से साफ मना कर देती है। ग्वेन कुछ समझ पाती है उससे पहले ही वो एलियन वहाँ पे हमला कर देते हैं, इसलिए वो भी अपना मेटल आर्मर पहनकर उससे लड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तभी हैक्स वहाँ पर केविन को लेकर आता है, एक ही मास्टर स्ट्रोक से सभी को हरा देता है। ग्वेन और केविन खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने सबको हरा दिया, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो एक्स फिर से इकट्ठा होने लगे हैं और उनकी हालत भी बहुत खराब थी, इसलिए उनको वहाँ से भागना पड़ता है। हमें बैन को दिखाया जाता है जो कि दुनिया खत्म होते सिर्फ देख रहा होता है। तभी वहाँ पे हैक्स आता है, बैन को लगता है कि वो हमला करना है, इसलिए वो अपने आप को स्पाइडर मंकी में बदल लेता है, पर हैक्स बड़ी ही आसानी से उसे हरा देता है। हैक्स बोलता है, बैन मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हारी बहन। बहन बोलता है, मुझे किसी की कोई मदद नहीं करनी और चले जाओ यहाँ से। जिस पर हैक्स ग्रैंडपा मैक्स का होलोग्राम लेके आता है जो बताते हैं कि बेटा तुम्हारी वजह से मेरी जान नहीं गई, तुम अफसोस मत करो। ग्रैंडपा की बातें सुनकर वो भी कन्विंस हो जाता है और पहुंचता है सीधा व्हाइट हाउस, जहां पर बैन देखता है कि उसके सभी पुराने विलन एक साथ मिलकर ग्वेन के काम कर रहे हैं। हैक्स बोलता है कि सभी जिंदा रहना चाहते हैं, इसीलिए ये सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहां पर डॉक्टर एनिमो उसी एक्स पर रिसर्च कर रहा होता है। बैन बोलता है, इस एलियन को मैंने कहीं तो देखा, बस रीयूनियन कंप्लीट हो ही रहा होता तभी वो एलियन फिर से इन पे हमला कर देता और अपने एक्स साथी को अपने में जोड़ लेता है। इन पे हमला नहीं कर रहा होता तो ग्वेन पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो एलियन बताता है मेरा नाम सच है और हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं। बैन को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो एलियन में बदल जाता है और ग्वेन और बाकी सबको निकाल कर हैक्स और केविन के साथ मिलकर एक्स से लड़ने लगता है। लड़ते समय बैन केविन को बचाने के लिए उस झुंड में घुस जाता है जिससे उसे अपने बचपन और ओमनिटिक्स दिखाई देता है और साथ में ही उस एलियन का एक हिस्सा भी, और उसके बाद वो बैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सोच ही रहा होता कि ये सब क्या था, तभी वो एलियन स्कर्च बैन पर हमला करने वाला होता है। तभी ग्वेन वहाँ पे आ जाती है, ग्वेन की धमाकेदार एंट्री से उनको कुछ वक्त मिल जाता है। बैन बोलता है, मेरे पास एक प्लान है लेकिन उसके लिए मुझे टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। ग्वेन के पास और कोई चारा नहीं था इसलिए वो हाँ कर देती है और बैन टाइम पोर्टल से जाने वाला होता है। तभी वो एलियन फिर से उन पे हमला करता है पर वो हैक्स की मदद से पोर्टल में चला जाता है और पहुंचता है जब बैन के समर वेकेशन बस शुरू हुए थे और वो छोटा सा बच्चा था और वो मस्त खेल रहा होता। तभी सार्जेंट नाइट उस पर हमला करता है और उसे इसी चीज का इंतजार होता है। वो बोलता है हीरो टाइम और अपने आप को बदल लेता है और इस बार बैन उसी स्कर्च एलियन में बदला था जो कि पूरी तरीके से यूजलेस था क्योंकि वो बार बार सिर्फ मार ही खा रहा था। यहाँ पर फ्यूचर वाला बैन फोर आर्म बनकर सार्जेंट नाइट को घुमा घुमा के हरा देता है। इसके बाद बैन और ग्वेन फ्यूचर वाले बैन को ग्रैंडपा मैक्स के पास ले जाते हैं। पहले वो सब सोचते हैं कि बैन के एलियन को किस तरीके से बाहर निकाला जाए, जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो फ्यूचर का बैन छोटे वाले बैन को अपनी मदद करने के लिए फ्यूचर में ले आता है जहाँ पर सब कुछ लगभग खत्म सा लग रहा था। तभी सार्जेस नाइट वहाँ पे आता है, पास्ट का बैन उसे देखते ही डायमंड हैंड में बदल जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। यहाँ पे बैन समझाता है कि ये हमारे साथ है पगले। उसके बाद सार्जेंट नाइट बैन को बताता है कि ग्वेन उसे अपने पीछे लालच देकर लेके गई। दोनों बैन वहाँ पहुंचते ही उनकी आधी संख्या को झटके में खत्म कर देते हैं पर ग्वेन बैन पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने बैन को यहाँ पर लाकर अब फ्यूचर के साथ पास्ट को भी खतरे में डाल दिया और स्कर्च अभी भी नारे लगा रहा होता कि मेरा हिस्सा मुझे वापस करो नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, उससे पहले हम तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका जवाब एक बहुत ही जबरदस्त हमले के साथ देती है लेकिन इससे स्कर्च को कुछ नहीं होता। तब वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स आता है जो बताता है कि तुम दोनों भी अब उसी एलियन में बदल जाओ और आपस में जोड़कर कोशिश करो कि तुम उसके स्कर्च को अपने से यूज कर सको और वो दोनों स्कर्च में बदल जाते हैं और काम बनने भी लगता है और अपने आर्मर से ग्वेन भी उसकी मदद कर रही होती है। ग्वेन की सेना ज्यादा देर नहीं टिक पाती और फिर से वो अकेली हो जाती है। दोनों बैन इस बार स्कर्च में ही घुस जाते हैं और उसको अंदर से करप्ट करने लगता है। इसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट कर देते हैं जिससे दोनों बहनों को थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। वो जीत का जश्न मना ही रहता है तभी वहाँ पे हैक्स आता है जो बताता है कि कुछ ही देर में पोर्टल बंद हो जाएगा, इसलिए वो सब वहाँ पे पहुंचते हैं जहाँ पे पोर्टल होता है और पास्ट में बैन जाकर अपने दादू के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है और उन एक्स से ग्वेन नए अमेरिका का निर्माण कर रही है। फ्यूचर का बैन ग्वेन की मीटिंग में पहुंचता है वो भी क्लीन चिट होकर। और आपको ये मूवी एक्सप्रेशन कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सायोनारा।